हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट रूट इंडिया। आज हम लोग कचनी स्टाइल में मधुबनी पेंटिंग बनाएंगे। सबसे पहले आर्ट सप्लाइज देख लेते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ 300 GSM कैंथन शीट। आप 150 GSM से ऊपर कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड ये पेपर है A3 साइज़ का। हम यूज़ करेंगे कुछ पेन्स। ये यूनिबॉल का ब्लैक वाटरप्रूफ पेन है एंड और ये अदर ब्रांड्स के पेन हैं। आप कोई भी वाटरप्रूफ इंक वाला पेन यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सप्लाइज लाइक स्केल एंड पेंसिल। एक और चीज़ जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है ट्रेडिशनल निब। मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है और इसे हम एक्रेलिक कलर के साथ यूज़ करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एंड रेड एक्रेलिक कलर। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम ऐसा डिजाइन को आउटलाइन कर लेंगे। मैंने दो पिकॉक के पेयर का डिजाइन लिया है एंड ये एक रिनॉन्ड मधुबनी आर्टिस्ट हेमा देवी जी का डिजाइन है जिसे मैं दोबारा से रिक्रिएट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा बोल्ड आउटलाइन लिया है जिससे कि वो हाईलाइट हो सके। बात करते हैं कचनी स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स की। कचनी स्टाइल एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है। बहुत सारे लाइन वर्क्स के साथ आपने अक्सर पेंटिंग्स देखी होंगी जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग होती है और उसमें पैरेलल लाइंस के साथ और पैटर्न सेट करके फिलिंग किया हुआ होता है। कचनी का मतलब है किसी डिजाइन को फिल करना। लाइक अगर आप जो ट्रेडिशनल मधुबनी आर्टिस्ट हैं उनसे बात करेंगे तो दे विल नेवर से कि हमने इसे फिल कर दिया है या इसमें पैटर्न बना दिए हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने इसे कच दिया है। कचनी का और भरनी का यही डिफरेंस है कि भरनी में पहले बेस में सॉलिड कलर से फिलिंग की जाती है एंड उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाया जाता है। बट कचनी में आपको आपके पेपर का या फैब्रिक का बेस कलर दिखता है और उसके ऊपर आप लाइंस एंड पैटर्न्स के मीडियम से उसे फिल करते हैं। कचनी बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे खड़ी कचनी, लेटी कचनी, तिरछी कचनी, जाल कचनी। जैसे ही अब मैं इस वाले पैटर्न में जाल कचनी कर रही हूँ उसके लिए मैं तिरछी कचनी करूँगी एंड उसे फिर अपोजिट डायरेक्शन से दोबारा तिरछी कचनी करूँगी तो वो एक जाल का पैटर्न बनता चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं जाल कचनी। यहाँ पे मैं चावल के दाने जैसे छोटे छोटे ओवल शेप के लंबे पैटर्न्स बना रही हूँ। आप इसे चावल कचनी भी कह सकते हैं। जाल कचनी के एकदम ऊपर वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का बोल्ड फिल्ड पोर्शन। यहाँ पे पहले मैंने मेहराबदार डिजाइन बनाया था, लाइक जो किंगरी वाला पैटर्न होता है कर्विकल, बट वो मुझे उतना अपील नहीं किया और मैंने उसे हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेंट कर दिया है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो वहाँ पे मेहराब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीकॉक के फेदर पे काम करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने पेंसिल से इसमें पैरेलल लाइंस बना ली हैं एक एक इंच के गैप पे और उसे डबल लाइनिंग कर लिया है। Thank you.
यहाँ पे मैंने हर पोर्शन के बीच में एक पेंसिल से एक हल्की सी लाइन बना ली है जो हमें कचनी भरने में हेल्प करेगी। एंड हर डबल लाइन के ऊपर पीकॉक के फैदर के बीच में हार्ट शेप के छोटे छोटे पैटर्न दे दिए हैं। और अब इनके दोनों तरफ हम लोग तिरछी कचनी करेंगे। सेंटर में जो हमने एक लाइट सी लाइन दी थी पेंसिल से, उस लाइन से हम दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शंस में तिरछी कचनी करेंगे। तिरछी कचनी यानी डायगोनल्स लाइन। एंड इस तरह से पूरे पंख को, पूरे फैदर को हम कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद आगे काम करेंगे। कचनी स्टाइल में बहुत सारा लाइन वर्क किया जाता है। इसे आप आर्ट ऑफ हैचिंग एंड स्टिपलिंग भी कह सकते हैं। कलर्स का यूसेज बहुत मिनिमल होता है एंड बहुत सॉफ्ट लुक में पेंटिंग्स तैयार होती है। नॉर्मली ब्लैक के साथ रेड कलर देखा जाता है और पूरा डिजाइन इसी तरह से कंप्लीट किया जाता है। कचनी शैली में काम करने के लिए डिजाइन को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है बोल्ड आउटलाइंस के मीडियम से। एंड देन हर सेगमेंट में अलग अलग डिजाइन की कचनी से फिल किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसे अलग अलग स्टाइल से कचा जाता है। यहाँ पे मैंने स्पाइरल डिजाइन लिया है, छोटे छोटे सर्कल स्पाइरल स्टाइल में, जिसे कचनी में तामा कहते हैं। पूरे सेगमेंट को फिल करूंगी मैं फिश स्केल पैटर्न से, जिसे हम मछली कचनी कहते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका पैटर्न यूनिफॉर्म आए, जिससे वो सुंदर और नीट लगे। अब आते हैं लोटस फ्लावर पे। इसकी सब पेटल्स में हम लोग तिरछी कचनी करेंगे, बट ध्यान रखिए बीच वाले जो इसकी सेंटर वाली पेटल है उसको अभी हम नहीं करेंगे, उसे बाद में हम रेड कलर से फिल करेंगे। अब हम लोग काम कर रहे हैं फिश की टेल पे। एंड सबसे पहले सेंटर में एक हमने डिवाइडिंग लाइन दी है जो स्लाइटली स्लांटिंग है।
बहुत ज़्यादा तिरछी लाइन नहीं है, एंड इसके पैरेलल हम लाइन देते हुए कॉर्नर तक इसे फिल कर देंगे। अब काम करते हैं फिश के फिन पे, एंड इसमें सबसे पहले मैंने एक सेंटर में लाइन दी है, नीचे थोड़ा सा मेहराबदार बॉर्डर दिया है, और सेंटर लाइन से मेहराब वाले बॉर्डर तक हम लोग तिरछी कचनी से इसको फिल करेंगे। ये पीकॉक की बॉडी का लोअर पोर्शन है, एंड फिश का आगे फ्रंट वाला पोर्शन है फेस के नीचे। इसमें मैं मेहराबदार पैटर्न दूंगी, एंड उसे रिपीट करते हुए नीचे तक पूरा वह ये पोर्शन फिल करेंगे। अगेन फिन्स के लोअर पोर्शन पे काम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बना के इस वाले पोर्शन को फिल किया है, और इसके नीचे जो मेहराब वाला पोर्शन है उसमें मैं हर डबल लाइन के बीच में तिरछी कचनी करूँगी पंख वाला पैटर्न देने के लिए। इस पोर्शन में मैं पैरेलल लाइंस दे रही हूँ स्लंटिंग, एंड इनके बीच में थोड़ा गैप है, इस गैप को बाद में हम लोग फिल करेंगे। फिश के फेस वाले पोर्शन में आईज एंड लिप्स ड्रॉ करेंगे, एंड छोटे छोटे से पैटर्न्स हम बीच में देंगे जिसके बीच में बाद में हम कलर फिल करेंगे, एंड बाकी जो स्पेस बचेगा उसमें हम लोग छोटे छोटे डैश भर के फिल करेंगे। इन डैशेस को हम कटवा कचनी कहते हैं। पीकॉक की कलगी वाले पोर्शन पे काम करेंगे, इसे हम पीकॉक क्रेस्ट भी कहते हैं, एंड इसमें मैंने 3-4 अलग अलग तरह से पैटर्न दिए हैं, जाल कचनी, तिरछी कचनी, छोटे छोटे सर्कल्स, गोला कहते हैं जिसको,
एंड ऊपर वाले पोर्शन में अगेन पंख के स्टाइल में ही तिरछी कचनी दी है। नेक वाले पोर्शन में भी हमें थोड़ा सा इंट्रिकेट काम करना है एंड मैंने इसमें डबल मेहराब वाली लाइंस दी हैं। उससे पहले मैंने पेंसिल से ज़रा डिवाइड करने के लिए सेगमेंट्स बना लिए हैं और इसके बीच में अगेन तिरछी कचनी करेंगे पंख वाले स्टाइल में। मोर की नेक में हम जितना इंट्रिकेट काम करेंगे ये उतना ही सुंदर लगेगा। जितने बारीक पैटर्न्स बनाएंगे एंड जितना वैरायटी से पैटर्न्स बनाएंगे उससे इसकी ब्यूटी एनहेंस होगी, क्योंकि मोर की कलगी, मोर की नेक एंड मोर के फेदर किसी भी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। नेक के नीचे वाले पोर्शन में अगेन हम लोग स्लांटिंग लाइंस देंगे थोड़े थोड़े गैप पे। इसमें हम लोग चेक फिल करेंगे। चेक फिल करने के लिए हम एक ब्लॉक को कलर करेंगे एंड एक ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। मींस हर अल्टरनेट ब्लॉक को आपको ब्लैक कलर से फिल करना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद चेस बोर्ड जैसा डिज़ाइन बन जाएगा एंड इस पोर्शन को हाईलाइट करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। नीचे वाले पोर्शन पे काम कर रहे हैं दोबारा। इस पोर्शन में हमने स्लांटिंग लाइंस देके छोड़ दिया था। हर अल्टरनेट स्लांटिंग लाइन को ब्लैक कलर से फिल कर लेंगे और जो रिमेनिंग लाइंस हैं उसके बीच में छोटे छोटे डैश डाल के पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। बीक में तिरछी कचनी करते हुए कंप्लीट करेंगे एंड हेड पोर्शन में छोटे छोटे डैश देके एंड आई बॉल बना के उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ब्लैक कचनी का काम कंप्लीट हो गया है।
अब हम लोग रेड से काम करेंगे। उसके लिए मैं रेड एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर में पानी ऐड करके मैंने थोड़ा उसे थिन एंड रनी कर लिया है, एंड जहाँ जहाँ पे हमें इसे बीच में हाईलाइट करना है वहाँ पे हम लोग रेड कलर को यूज़ करेंगे। दूसरा पीकॉक भी मैंने सेम मेथड से कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सिमिलर बनाया है, और अब हम इसमें रेड का वर्क स्टार्ट करेंगे। पीकॉक फैदर्स के बीच में रेड कलर से फिल करेंगे। कमल के फूल की जो सेंट्रल पेटल थी उसमें हम लोग क्रॉस में कचनी करेंगे, एंड जहाँ पे ये चावल कचनी हमने किया था उसके बीच में एक एक हम खड़ी कचनी की लाइन देंगे। जहाँ जहाँ हमने मेहराब वाला बॉर्डर दिया था वहाँ पे उसके बीच में हम रेड कलर से फिलिंग करेंगे फिश के लिप्स में, एंड जो फिश की बॉडी पे छोटे छोटे हमने सर्कुलर पैटर्न्स दिए थे उसके बीच में भी रेड कलर फिल करेंगे। इससे इसकी ब्यूटी और एनहेंस होगी। इसी तरह से हम लोग नेक पे भी रेड कलर से काम करेंगे। ब्लैक कचनी जहाँ हमने की थी उसके बीच बीच में उसे रेड कलर से करके और सुंदर बनाएंगे। सेम तरीके से हम लोग दूसरे पीकॉक में भी रेड का काम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग बॉर्डर के लिए जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे। जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करके मैंने पूरा बॉर्डर डबल लाइन किया है, एंड डबल लाइन करने के बाद उसमें एक छोटा सा फ्लोरल पैटर्न दिया है। बॉर्डर में मैंने हर अल्टरनेट ट्रायंगल में रेड कलर फिल किया है,
उसकी सारी पेटल्स में, एंड जो रिमेनिंग ट्रायंगल्स है उसकी पेटल्स में मैं जाल कचनी फिल करूँगी और सेम प्रोसीजर से चारों तरफ का बॉर्डर कंप्लीट कर लूँगी। कचनी स्टाइल में हमारी मधुबनी पेंटिंग रेडी है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।